तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9.1 का क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन अ एक्सरसाइज 1 to 6। आपको एक से लेकर 6 क्वेश्चन में सब में क्या करना है, पहले 5 टर्म निकालनी है एपी की। और पहले 5 टर्म कैसे निकलती है, पहले टर्म को A1 बोलते हैं, दूसरे टर्म को A2। अभी मैं सारे निकाल के दिखाता हूं। Who's the nth term? Nth term का मतलब होता है an वाली सीरीज गिवन है। तो देखो ये आपको नीचे इक्वेशन लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सिक्स वाला पार्ट में करा रहा हूँ, बाकी के सारे पार्ट सेम है, आपके होमवर्क होंगे वो आप करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना पड़ेगा, पहले पांच टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखो आप करकर आए हो, ये पूरी की पूरी 9th term क्लास 10 से मैच है। तो फटाफट देखिए, मैंने बोला अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 डालो एन की जगह, तो एन की जगह हो जाएगा 1, यहाँ आएगा 1 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा बॉस 1 और 2 3 3 1 3। तो A1 निकल गया, A1 को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A2 को बोलते हैं सेकंड टर्म, बताया था ये मैंने। तो देखो n की जगह 2 डालो क्योंकि an n 2 है, क्लियर हो गया मेरी बात। अब की बार n की वैल्यू 2 डाली, पहले क्या डाली थी 1, आगे डालो तो 2 × 2 + 2, तो 2 × 4 × 8, तो कितना आ जाएगा बॉस 8। फिर अगला आएगा A3, A3 निकालो तो 3 × 3 + 2, 3 और 2 5, 5 × 3 = 15। तीसरा निकल गया A4 निकालो बॉस, तो 4 × 4 + 2, 4 × 6, 6 × 4 = 24। बात समझ में आ गई। लास्ट में A5 पांचवी टर्म निकालो, तो 5 × 5 + 2, ज्यादा एन था वहां गिर रहा है, क्लियर। अब बना फटाफट आ गए यहाँ पर 7 × 7 = 35, तो ये वैल्यू निकल गई आपकी, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, आपको पांच टर्म निकालनी थी और आपने पहली पांच टर्म निकाल ली, ये A1, ये A2, ये A3, A4 और A5। बात समझ में आ गई। तो ये आपका आंसर होगा, बच्चों के माइंड में आता है कि ये तो एपी की एक्सरसाइज है तो एपी होना चाहिए। तो भाई मैंने कहीं लिखा कोई नहीं एपी है, ये तो कोई सीक्वेंस था, ये कोई सीक्वेंस था और आपको A1 A2 A3 निकालना था। तो यहाँ पर मैच करने में लग जाना कि डिस्टेंस सेम तो नहीं आ रहा है, एपी तो है नहीं, तो ये कोई सीक्वेंस था nth टर्म का सीक्वेंस, और उससे आपको पहले दूसरे तीसरे टर्म निकालने थे। यहाँ पर ये नहीं बताना कि ये एपी है या नहीं, ये नहीं बोला क्वेश्चन में, ठीक है। आपको पांच टर्म निकालने थे तो आपने निकाल दी, क्लियर हो गया मेरी बात। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा और इसी तरीके से आपके एक से लेकर 6 क्वेश्चन होंगे, तो बाकी 4 जो है वो होमवर्क है, ओके। फटाफट उसको भी देखिए, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एन, यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो याद रखना है ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर ये इनटू है, इन्होंने लिखा इस तरीके से कि लग रहा है मिक्स फ्रैक्शन, ये इनटू में, जब कोई भी निशान नहीं होता तो इनटू का निशान माना जाता है या पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पर देखो बॉस, मैंने कहा सिमिलरली एन की वैल्यू कितनी डाली मैंने, 1 डाली, चलो भाई डालो, तो n की वैल्यू 1 डाली तो क्या हो जाएगी A1, तो यहाँ पर आएगा 1 × 1² + 5/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 6 6 को 1 से इंटू करा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत, काटो इसे तो 3 × 2 = 6, 300 तो कटेगा नहीं, 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया 3/2, कोई दिक्कत। सिमिलरली आप सारी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकलेगी बॉस, अब आपको n की जगह 2 घेरना है, घेरो A2 2 × 2 = 2² + 5/4, 2 × 2 = 4, 5 = 9, 9/4 × 1 = 2, 2 से काट दो इसको तो आंसर आएगा 9/2, बस समझ में आ रही है। सिमिलरली आपको निकालना है A3, तो 3 × 3² + 5/4, तो कितना आ जाएगा बॉस 3 × 9 = 9 × 5 = 14 × 3/4, काटा 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, तो आंसर इज 7 × 21/2, कोई दिक्कत। सिमिलरली ऐसे ही आप A4 निकालेंगे और 4 डालो n की जगह क्योंकि n 4 है, तो 4² + 5/4, तो 4 × 16 = 16 × 5 = 21 × 4/4, 4 × 4 की कहानी खत्म, आंसर आ गया 21, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे, चलो आगे आ जाओ। आगे मैंने बोला A5, तो A5 करोगे तो कितना आएगा बॉस बोलो, तो 5 × 5² + 5/4, क्लियर। तो यहां पर आ जाएगा बॉस 5 × 25 = 5 × 3 × 5/4 काटा, तो ये आएगा 15 × 15 = 75/2, तो आपका आ गया A5। तो बोलो बात समझ में आ गई, ये रहा A5, ये रहा A4 फोर्थ टर्म, ये रहा A3 और ये रहा आपका A2, तो बात समझ में आ रही है, ये रहा आपका A1। तो सारे टर्म मैंने आपके निकाल के दिखा दी, तो बताओ कोई डाउट है, बाकी के सारे पार्ट हो जाएंगे क्या, बताइए बाकी के सारे पार्ट कर लोगे क्या, सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।